प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स खंडवा में फूलों की वास थी। हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर अनाज मंडी प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस बार भी भजन संध्या हुई। इस बार राजस्थान से आए प्रकाश मैली द्वारा सुंदर भजनों का प्रस्तुतिकरण किया गया। निमाड़ सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष नववर्ष के अवसर पर यह आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक देवेंद्र वर्मा, राम डांगोरे सहित कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के लोग व बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी जनता उपस्थित रही। भक्ति में करोड़ों लोग, अरबों लोग समा गए, वापस शिव में विलीन हो गए। वो तो आज तक भी दुनिया को याद है, बहुत सारे लोगों का नहीं, लेकिन रावण को कोई नहीं भूला। भगवान श्री राम भी भोलेनाथ को मना रहे, रावण भी भोलेनाथ को मना रहे। देखो कितनी जोरदार बात है कि जिनका युद्ध है धर्म अधर्म का, सत्य असत्य की लड़ाई है, और दोनों ही, और प्रभु श्री राम की उस लगनता को देखकर भोलेनाथ मग्न हो गए। तो पार्वती ने पूछा कि बाबा कहाँ खो गए। भोलेनाथ कहते हैं, ईश्वर का जो राम है वो मुझे देख रहा है, इसलिए मैं उसमें लगा। राम का ईश्वर, ईश्वर का राम, और रामेश्वरम धाम जो भारत के अंतिम कोने में बन गए। और रावण की विद्वत्ता और उसकी शक्तियां बढ़ते बढ़ते रावण को धीरे धीरे दुनिया का सबसे बलवान होने का गौरव मिल गया। भोलेनाथ तो नहीं बोला, वो भक्ति करते करते एक दिन कैलाश पर्वत पर गया। श्लोक शिव तांडव स्तोत्र के रूप में जाने जाते हैं। जो चार शब्द की नाम कहीं लगे आपको तो वो क्लियर करो। अकबर के पास बहुत ताकत थी, पर को राणा का ख्याल भी आ जाता था तो उसको लगता था कि मेरे सिराने कोई फुफकारता हुआ सांप खड़ा है। वो चेतक नो सवार कठे, बाजड थानो ऊट कठे, वो एक लिंग की बात कठे, महाराणा प्रताप कठे।
नहीं नर नाहरियो, झुकियो नहीं नर नाहर, हमारे यहाँ पर शेर को बोलते नाहर, मेरे साथ बोलना नर नाहरियो, एक बार आनंद करें, नहीं नर नाहरियो, झुकियो नहीं नर नाहरियो, झुकियो नहीं नर नाहरियो, अकबर दी सेना रे गाए। थारो वो भूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, ओ महाराणा तथा ओ महाराणा। नबी किसे उड़ने वाले घोड़े, उड़ने वाले घोड़े निकल रहे हैं। महारानी पूजा की थाली लेके आई, महाराणा की आरती उतारी, सब लोग देखते रह गए और महारानी ने चेतक के कान में जाके कहा, क्या कहा, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का, हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।